अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे मान साहब दिख रहे हैं दिन में वही अधिकारियों को इसी बात देख रहे हैं साहब की जितना दबा रहा है। हम लोग आवाज नहीं उठाए क्या? जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाना है। क्या रुक जाए उसमें किसी को समझ नहीं आ रहा है। अभी भ्रष्टाचारी कर रहा है नगर निगम का, उसके बाद भी पार्षदों काम के लिए जाते हुए पालता है, और उसके लिए जब हम बात करने गए तो उसका व्यवहार असभ्य था, और जब हमने बात करना चाहिए तो विनय सांगते जी से जाति सुधार शब्द बोलने लगा, और फिर हम थोड़ा उत्तेजित हुए तो वो उस प्रकार की हमसे बात करने लगा, और थाने पर झूठी रिपोर्ट लिखवाना आया है। पता चला थाने में से भाग गए वो, आधी रिपोर्ट थाने पर उनको बड़ा कुछ आवेदन लेके गया। कौन कौन करते हैं सर? पुलिस शुक्ला पुलिस क्या पोस्ट होगी? क्या पोस्ट मुझे आए दिन पार्षदों की सूचना मिलती रहती है कि श्री शुक्ला कहीं ना कहीं परेशान करता है, और नगर निगम में पार्षदों को परेशान करता है, तो मैं पार्षद रहमान अली और विनय सांगते जी के साथ जब मैं गया बात करना उनसे चाहिए, तो सवेरे तो मैं विनय सांगते से जाकर सुधर सब कुछ बोला, उसका अशोक भी बातों से हमसे करने लगा, और जब उन्होंने हमसे बात करना चाहिए तो मैं झूठी रिपोर्ट डालने थाने पाए। अभी आप लोग कहाँ पर आएंगे? सिटी कोतवाली दे रहा भैया, ये आवेदन दे रहे हैं कि रिपोर्ट? हाँ आवेदन दे रहे हैं, विनय सांगते जी भी दे रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ। भैया दुर्व्यवहार का कारण क्या है? दुर्व्यवहार के आप उसके बारे में आप कुछ पूछो मत, और जब कोई पार्षद उसके वार्ड में काम के लिए रहे थे उनके खिलाफ वार्ड के लिए बात करने जाता है तो उनकी दादागिरी से बात करते हैं। ठीक है, नगर निगम के क्या है पूर्व? ये अभी नगर निगम में जो आगे उपायुक्त महोदय है विनीत शुक्ला जी, पुनीत शुक्ला जी, उनके द्वारा एक आवेदन लाकर थाने में प्रस्तुत किया गया था कुछ पार्षदों के विरुद्ध में, इसी के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा सामने पक्ष के द्वारा भी। सर नाम लेके बताइए कौन कौन पार्षद थे उसमें? विनय सांगते जी हैं, इरफान अली, अनीस करके हैं इनका, इनके संबंध में कुछ विवाद के संबंध में अभी आवेदन दिया है उनके द्वारा। क्या आवेदन था, क्या लिखा? इनके संबंध में यही आवेदन दिया है कि इनके द्वारा झुमा लड़की गाड़ी गुप्ता किया गया है किसी सर सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड तो हो। हाँ इसीलिए अभी उसकी जांच की जा रही है। फिर सर पार्षद में क्या बोले? उनके तरफ से भी एक आवेदन दिया गया, दोनों आवेदन पत्र की जाँच की जा रही है सर।